हाय गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। यह है क्रिकेट 19 का बोलिंग ट्यूटोरियल। और क्योंकि मैंने इसलिए बनाया बेसिकली क्योंकि मैंने देखा जहाँ तक यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे जितने उन्होंने ट्यूटोरियल्स बनाया, या तो उन्होंने अपनी जॉयस्टिक नहीं दिखाई या स्क्रीन पे कि उन्होंने कैसे वो बोल डाले हैं, और फिर अगर बताया भी है तो फिर इतने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि गेम आपको काफ़ी डिटेल्स में वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरीज ऑफर करती है, बट यहाँ पे कोई उसको यूज़ नहीं करता। सारे वही नॉर्मल डिलीवरीज डालते रहते हैं। जितने भी स्ट्रीमर्स भी मैंने देखे हैं वो कुछ ज़्यादा वेरिएशंस करते हैं नहीं, जो गेम स्टैंडर्ड आपको देती है वही चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे गेम ने आपको काफ़ी कुछ ऑफर किया जो यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते लोग, एंड काफ़ी लोग इसको खेलते हैं। एंड लेकिन ये जहाँ तक ट्यूटोरियल ढंग का था नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही एक ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी जॉयस्टिक आपको क्लियरली दिख रही होगी स्क्रीन पे कि मैं कौन से बटन कैसे दबाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको क्लासिक कंट्रोल्स यूज़ करके जो है बताऊंगा कैसे। गेम आपको दो टाइप के कंट्रोल्स ऑफर करती है, क्लासिक और स्टैंडर्ड, और मैं यहाँ पे क्लासिक कंट्रोल्स हमेशा से यूज़ करता आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक गेम लगा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर मेरी गेम प्ले की स्क्रीन है, और मैं यहाँ पे एक गेम लगा के बॉलिंग करते करते आपको समझा दूंगा कि कैसे आप इसमें बॉलिंग कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट जितने भी डिलीवरीज पॉसिबल है सारे के सारे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गेम मैच स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैच यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। काफ़ी हैवी गेम है, लोड होने में भी टाइम लगाती है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे हम। सो यहाँ पे ऑलरेडी बॉलिंग है मेरे हाथ में, और यहाँ पे मैं क्योंकि क्लासिक कंट्रोल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल है जिसमें लिखा है स्टैंडर्ड, आउट स्विंग, इन स्विंग, स्लोअर। एंड ये सर्कल के सिवाय भी काफ़ी डिलीवरीज होती है लेकिन कोई डालता नहीं उनको। सो अगर आपको देखना है कि इन सर्कल के सिवाय कौन सी डिलीवरीज ऑफर होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉयस्टिक में राइट जो नीचे वाला बटन है, RT बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाउंसर्स, लेग कटर, ऑफ कटर, क्रॉस सीम, ये सब भी है, लेकिन कोई इसको ऑफर करता नहीं। सारे जो है ये बटन दबाए बिना ही कभी कोई लेग कटर, ऑफ कटर डालता नहीं, बल्कि ये फास्ट बॉलर्स की अच्छी वेरिएशन की डिलीवरीज आती है। बाउंसर है, लेग कटर है, ऑफ कटर है, क्रॉस सीम है। उसके सिवाय यहाँ पे मैं आपको लेंथ्स की भी बात करूँगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लेंथ्स का चलो चलो सामने लिखा हुआ है, गुड लेंथ, शॉर्ट लेंथ, फुल लेंथ और योर करके बटन्स। लेकिन अगर आपको गुड में भी थोड़ी फुल बॉल डालनी हो और गुड में थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रखनी हो, तो वो सब भी है डिटेलिंग जो कि है गेम में, बट कोई उसको यूज़ करता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले पहले डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरीज डाल देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आउट स्विंगर डाल रहा हूँ और फुल आउट स्विंगर डाल रहा हूँ। तो फुल लेंथ का आउट स्विंगर देखिए, फुल के लिए लिखा है यहाँ पे येलो, यानी कि फुल लेंथ और आउट स्विंगर। ऑल्सो उसके सिवाय आपको आउट स्विंग सिलेक्ट करके तुरंत ख़त्म नहीं कर देना है, आपको कोई बटन नहीं दबाना है। तो फिर उसके सिवाय आपको यहाँ पे एक और फीचर मिलता है सीम एंगल का, मतलब जब बॉल रिलीज होगी तब उसकी सीम कहाँ पे पॉइंट कर रही होगी। जैसे आउट स्विंग करते वक्त अगर आप फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप की तरफ स्विंग रखोगे, यानी सीम एंगल रखोगे, सीम की पोजीशन रखोगे, तब बॉल जो है वो ज़्यादा ही स्विंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है इसको, आउट स्विंग की तरफ लेके जाना है लेकिन कुछ दबाना नहीं है। तो खुद यहाँ पे ये पॉपअप हो जाएगा सीम एंगल, और आपको इसको रोटेट कर सकते हो यही लेफ्ट स्टिक से, और जिससे आपको जो भी एंगल चाहिए वो कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला मैं फुल लेंथ बॉल डालूंगा, तो यहाँ पे फुल लेंथ के लिए वाई बटन होता है, तो मैं वो यहाँ पे डालूंगा। एंड उसके सिवाय गेम यहाँ पे ऑफर करती है एक एफर्ट बॉल, यहाँ पे नीचे करना है राइट स्टिक को और ऊपर करना है। और देखिए बहुत ही बढ़िया आउट स्विंगर, यहाँ पे एज लग गया, सीधा स्लिप में ही कैच गया था, बट मेरे पास इतनी गली अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पे विकेट तो नहीं मिल पाया। बट एक और चीज़, अनदर चीज़ जो है यहाँ पे कि यहाँ पे बॉलर जो है वो एक एफर्ट बॉल नाम का फीचर भी रखा है इन्होंने। एफर्ट बॉल मतलब जब वो थक वक जाएगा, मतलब कुछ गेम में बन नहीं रहा, तो फिर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बॉल थोड़ी तेज़ डालनी हो, तो फिर उसके लिए जो बॉल डालना है उसके लिए आपको बॉल डालते वक्त नीचे का राइट टॉप दबाना है। उसके सिवाय बेसिक यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे बॉलर को अराउंड द विकेट और ये ओवर द विकेट डालने के भी ऑप्शंस है, जिसको करने के लिए आपको ये डी पैड जो होता है यहाँ पे लेफ्ट
दबाएंगे देखो, देखिए बॉलर लेफ्ट आ गया और लेफ्ट तो नहीं जा रहा यहाँ से देखिए, तो यही आपकी यही साइड से तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे अपने पास। अगर आप और दबाएंगे तो ये दूसरी तरफ चले जाएगा, यानी यहाँ पे इस तरफ आ गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। आप तीन और राइट दबाओगे तो यहाँ पे और क्रीज़ का यूज़ करके वो एकदम क्रीज़ के कोने से भी इन स्विंगर डाल सकता है। तो मैंने पहले आउट स्विंग डाला था, अभी लेफ्ट हैंडर है तो मैं यहाँ पे उसको इन स्विंग डालूंगा और अगेन फुल लेंथ की बॉल डालता हूँ। ठीक है, फुल लेंथ के लिए अगेन वाई बटन और एफर्ट बॉल के लिए ये दबा के रखूँगा, राइट स्टिक को नीचे, राइट स्टिक को ऊपर। तो बॉल मेरी जो थोड़ी सी वाइड लाइन की तरफ चली गई, ना ज़्यादा स्टंप लाइन की तरफ नहीं आई, इसलिए उसने बहुत ही बढ़िया शॉट लगा दिया। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि कैसे बहुत ही बढ़िया शॉट, कैसे डिफरेंट बॉल्स डाल सकते हैं। अब मान लो कि मुझे यहाँ से आउट स्विंगर डालना है, तो आउट स्विंगर डालने के लिए अगेन वही सेम थिंग, आउट स्विंगर पे रखो आपकी लेफ्ट जॉयस्टिक से थोड़ा सा सेम एंगल आउट स्विंग की तरफ। सिर्फ मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ अभी, तो सिर्फ मैंने फुल लेंथ दबाया है, अगेन एफर्ट बॉल और राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर। इस बार उसने सेम शॉट लगाया बट गैप नहीं फाइंड कर पाया। ऑल्सो आप अगर वेरिएशंस करोगे, यानी स्विंग चेंज करोगे, कुछ ना कुछ अलग करोगे, तो बैट्समैन आपको शॉट्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप सेम बॉल डालते जाओगे तो यहाँ पे बैट्समैन जो है वो वही बॉल एक्सपेक्ट करेगा और नॉर्मल यूजुअल क्रिकेट की तरह वो आपको मारने ही जाएगा। ठीक है, तो दो बात हो गई हमारी यहाँ पे, इन स्विंग और आउट स्विंग। यहाँ पे इन स्विंग के लिए इस तरफ और आउट स्विंग के लिए इस तरफ। उसके सिवाय होती है स्टैंडर्ड बॉल। स्टैंडर्ड बॉल मतलब जो बॉल सिंपल सीम रखी, उसने कोई स्विंग कराने की कोशिश नहीं की, उसमें भी आप सेम एंगल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसके साथ फुल लेंथ की बॉल करो तो यहाँ पे एफर्ट दबा के राइट स्टिक नीचे की तरफ, राइट स्टिक ऊपर की तरफ, सीधी बॉल बिना किसी स्विंग के। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग ने जो फर्स्ट डिस्प्ले में आता है, उसके सिवाय एक स्लोअर वन करके ऑप्शन होता है। और गेम में स्लोअर वन जितने स्लो नहीं डालता वो, तो फिर पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर स्पीडोमीटर पे देखेंगे, नीचे स्पीड मीटर पे देखेंगे, तो वहाँ पे आपको 10 किलोमीटर पर आवर के अराउंड स्पीड की गिरावट दिखेगी। तो स्लोअर वन डालने के लिए जो है आपको जो लेफ़्ट स्टिक है उसको स्लोअर वन या नीचे की तरफ करना है। और इसमें देखेंगे आपके जो रोटेशंस है वो थोड़ा नीचे की तरफ से शुरू होते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बॉलर जो है वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालते हैं। तो फिर इसके लिए बैक ऑफ द हैंड का एनिमेशन तो नहीं दिखा पाए बॉलर के हाथ से, लेकिन यहाँ पे इन लोग ने ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। और मान लो कि मुझे फुल लेंथ डालनी है, तो ये आपने फुल लेंथ सिलेक्ट कर ली। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ भी स्लोअर वन के बारे में, देखिएगा फुल लेंथ सिलेक्ट करने के बाद आपको ये लेफ्ट वाला नीचे वाला ये भी दबाना है साथ में, तो ही वो स्लो डालेगा वरना नहीं डालेगा। तो देखिए ये बॉल थोड़ा स्लो था, 145 था यूजुअल स्पीड इसके बॉलर की, जो 155 है। जैसे कि अगर एक और बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्लोअर वन सिलेक्ट किया, फुल लेंथ ही रख रहा हूँ वाई वाला, एंड जो नीचे वाला लेफ्ट वाला बटन है वो अगर दबाएंगे, यहाँ पे स्लोअर वन ले लिया, बॉल सिलेक्ट कर लिया, राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर, राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर। ठीक है, उसने मार दिया क्योंकि मैंने सेम बॉल डाला, तो ये 145 की स्पीड आई। और आप देखेंगे 145 स्लोअर वन कैसे हुआ, तो देखो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है ये बॉलर की, वो जो मैंने रखी हुई है वो थोड़ी तेज़ रखी है। वो दिखाने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड बॉल डाल देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड बॉल के लिए मैं फिर से एफर्ट के लिए राइट स्टिक नीचे वाली रखता हूँ। और बहुत ही बढ़िया विकेट मिला क्योंकि मैंने इतना वेरिएशन किया इस बॉल पे। लास्ट बॉल स्लोअर वन थी और ये बहुत बढ़िया विकेट, क्योंकि ये वाला फास्ट बॉल था, मैंने उसको राइट स्टिक दबाने से नीचे वाली जो राइट राइट आरटीओ बटन है वो दबाया, इसलिए बॉल बहुत तेज निकली लास्ट बॉल से कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाला दबा के रखोगे तो आपको जो है स्लोअर वन डालेगा, और राइट वाला आप अगर दबा के रखोगे तो वो तेज़ यानी एफर्ट बॉल जो है वो डालेगा। और आप कुछ नहीं दबाओगे तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, जैसे कि 155 अगर उसकी फास्टेस्ट और 145 उसकी स्लोअर वन है, तो 150 के अराउंड डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात हो गई, यहाँ पे आउट स्विंग इन स्विंग की हो गई हमारे, स्लोअर वन की हो गई। और लेकिन मैंने लेंथ में आपको सिर्फ अभी तक गुड ये फुल लेंथ ही बताया, मैं वहाँ पर भी डिटेल में जाऊँगा अभी। ठीक है, पहले बचा यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड भी हो गया, आउट स्विंग भी हो गया, इन स्विंग भी हो गया, स्लोअर वन भी हो गया। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया था, इसके सिवाय अगर आपको देखना है तो आपको लेफ़्ट नीचे वाला बटन जो है, सॉरी सॉरी राइट नीचे वाला जो बटन है वो आपको दबाना है। तो यहाँ पे आपके पास लेग कटर, ऑफ कटर, क्रॉस सीम बॉल और बाउंसर करके भी ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है,
तो मैं ये सारे बॉल फिर से गुड लेंथ फुल लेंथ के साथ यानी येलो वाले के साथ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके ट्राई करते हैं। जैसे लेग कटर मैं पहले डाल रहा हूँ, इसमें भी आपको जो है अगर आप लेग कटर सिलेक्ट कर लेते हो डायरेक्टली, तो लेग कटर पे रख के वाई दबा दोगे तो आपको सीम एंगल सिलेक्ट करने नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर लेग कटर पे रखोगे थोड़ी देर तो फिर सीम एंगल आएगा। और सीम एंगल रखने के बाद अगर मैं फुल लेंथ सिलेक्ट करता हूँ तो देखते, जैसे कटर्स थोड़े स्लो होने चाहिए, मैंने फिर से लेफ्ट वाला बटन नीचे वाला दबा दिया, ठीक है। तो बॉल उसने इसकी 140 की आ रही थी, ठीक है। वैसे छक्का तो नहीं लगा पाया क्योंकि टाइमिंग उसकी इतनी भी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ पे मेरा जंपर रिलीज़ काफ़ी परफेक्ट आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये बात हुई कि लेग कटर यानी कि कट हुआ या नहीं बॉल, तो वो देखना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप मैच अपने जो है स्टार्ट दबाना है यानी मेन मेन्यू में आना है, फिर मैच रिव्यू में जाके यहाँ पे बिग आया आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये लेग कटर होता तो इसको हल्का सा लेग स्पिन की तरह होना था, जो कि ये बहुत क्लियरली हो चुका। देखिए आप, बॉल इतने एंगल से आई थी बट कट करके जो है वो बाहर लेग स्पिनर की तरह निकल गई। और उसके लिए मैंने स्लोअर वन भी दबाया था यानी ये भी दबाया था ताकि बॉल स्लो निकले। तो इस बार एक ऑफ कटर डाल के देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ कि एक्स्ट्रा मेन्यूज़ देखने के लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए राइट स्टिक दबाना है। यहाँ पे अपने पास फिर ऑफ कटर लेग कटर आ गया। ऑफ कटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, सेम एंगल ले लिया, फुल लेंथ बॉल डालूंगा फिर से। और ऑफ कटर है तो ऑफ स्टंग के बाहर डालना पड़ेगा मुझे। और मैंने स्लोअर वन के लिए लेफ्ट नीचे वाला बटन भी दबा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसकी फिर से स्पीड 140 आई है, बल्कि यूजुअल बॉलर जो है 150 के पास डालता है, ठीक है। क्योंकि लेग कटर ऑफ कटर थोड़े स्लो होने चाहिए, इतने तेज़ डालोगे तो बॉल जो है वो उतने ग्रिप नहीं करेगी सरफेस को और टर्न नहीं होगी, तो उसके साथ आपको एक स्लोअर वन यानी ये वाला बटन दबाना ही चाहिए, ठीक है। एक और ऑफ कटर देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफ कटर पे रख दिया, सीम एंगल सिलेक्ट कर लिया, फुल लेंथ सिलेक्ट कर लिया, स्लोअर वन दबा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बॉल जो है वो फिर से ऑफ स्टंग के बाहर, क्योंकि आपने ऑफ कटर डालना है यानी ऑफ स्पिन डालना है, तो आपकी बॉल ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर होनी चाहिए ताकि वो जब फिनिश हो तो स्टंप पे आए, तो वो ये ज़रूर ध्यान रखना है। वरना अगर आप ऑफ कटर सिलेक्ट करते हो, जैसे कि एक गंदी बॉल डाल के दिखाता हूँ, ऑफ कटर भी सिलेक्ट कर रहे हो, सेम एंगल भी अच्छा ले रहे हो, स्लोअर वन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अगर स्टंप पे बॉल डाल रहे हो यानी राइट स्टिक जब आगे करते हो स्टंप पे डाल, ये तो फिर से अच्छी गिर गई, मुझसे आदत हो चुकी है मुझे ख़राब बॉल नहीं डालने की इस गेम में। बट मान लो जैसे ऑफ कटर हो गया यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एक फुल लेंथ ले लिया, मैंने स्लोअर वन के लिए ये ले लिया, ठीक है। ऑफ कटर बॉल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉल जब मिड पे अगर पिच भी होगी तो क्योंकि आपने ऑफ कटर डाला है तो ऑफ स्पिन की तरह होते हुए बाहर और बैट्समैन से दूर जाती जाएगी, और कभी कभी इतनी दूर के कीपर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा, तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑफ कटर लेग कटर डालते वक्त ध्यान रखना है, जैसे ऑफ कटर्स होंगे तो आपको वो ऑफ स्टंप के बाहर डालने हैं, जिसके लिए आप जब राइट स्टिक जो नीचे करते हो वो तो ठीक है, ऊपर करते हो तो ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ पुश करना है इसको। जैसे कि एक और बार दिखा देता हूँ, ऑफ कटर सिलेक्ट हो गया, सीम एंगल हो गया, स्लोअर वन हो गया, ठीक है। अभी जो राइट स्टिक नीचे कर रहा हूँ तो नीचे सही है, लेकिन ऊपर करते हो थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर डालनी है मुझे, ऐसे करना है, ठीक है। ऑफ स्टंप के बाहर सीधा नहीं करना, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर डालना है, तो राइट स्टिक को ऊपर करते वक्त थोड़ा इस तरफ करेंगे। तो लास्ट बॉल देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बॉल था, क्योंकि बॉल जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर ही पिच हुई, और ऑफ स्टंप के बाहर पिच होते होते सीधी भी हो गई एकदम ऑफ स्पिन की तरह, देखिए। और इसलिए उसने मिस भी कर दी, ऐसा लग रहा था वाइड जाएगी, बट जैसे ही पिच हुई तो वो कट होके बॉल जो है वो ग्रिप हुई सरफेस पे और अंदर आ गई, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ऑफ कटर लेग कटर दोनों की। यहाँ पे एक और बॉल है जो क्रॉस सीम बॉल है। अब क्रॉस सीमर्स जो है वो आजकल बॉलर्स इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पे बॉल ड्यू हो जो गई हो यानी गीली हो गई हो, या फिर आप अगर एक्स्ट्रा बाउंस चाहते हैं पिच से तो क्रॉस सीमर्स यूज़ करते हैं। एकदम डिटेलिंग दी है गेम में बट कोई इसको यूज़ नहीं करता, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने के लिए फिर से राइट RT बटन नीचे वाला जो है वो सिलेक्ट करने के बाद क्रॉस सीम, क्रॉस सीम के बाद सीम एंगल जो सीधा रखेंगे तो जो बॉल जो है वो वैसे ही पकड़ेगा, उसके सिवाय फुल लेंथ की बॉल सिलेक्ट कर लेने। और क्रॉस सीम क्योंकि तेज़ होता है, मैंने राइट RT बटन दबा के रखा हुआ है, राइट स्टिक नीचे राइट स्टिक ऊपर, ठीक है। मुझसे वाइड चले गई बट ये क्रॉस सीम बॉल है कि नहीं वो देखना हो तो यहाँ पे आप रिप्ले देख सकते हैं इसका, ठीक है। रिप्ले में अगर आप देखें, मैं एक और बॉल आपको डाल के दिखा देता हूँ बेटर, क्रॉस सीम, ठीक है। गुड लेंथ सिलेक्ट कर लिया, फास्ट के लिए राइट राइट RT बटन, राइट स्टिक नीचे राइट स्टिक ऊपर, बॉल स्टंप पे थी और इसलिए उसने बहुत बढ़िया गैप ढूंढा,
और यहाँ पे अगर रिप्ले आएगा तो आप देख पाएंगे कि वो बॉल जो है वो ऑफ क्रॉस सीम थी। बॉल जाते वक्त भी क्रॉस सीम दिख रही है आपको, गेम में ऐसे ही डिटेलिंग दी है, बट अगर आप वो देखते हैं, रिप्ले देखते हैं। ओके, मैं आपको फिर से रिप्ले दिखाऊंगा इसका। ठीक है, मैं यहाँ बाहर आ गया मेन्यू से रिप्ले, और इसको अगर आप क्लोजली देखना हो। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे बॉल की सीम दिख नहीं रही है तो आपको यही समझ में आता है कि इससे बेसिकली ये क्रॉस सीम बॉल थी। इसमें एक्चुअली स्लो डाउन करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, वो फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा है, बट आप समझिए कि क्रॉस सीम डालने के लिए आपको राइट टॉप दबाना है, यानी RT बटन राइट नीचे वाला, फिर जैसे कि मैं हर बॉल फुल लेंथ पे बता रहा हूँ आपको, तो उसके लिए Y, उसके बाद आपको जो है फास्ट डालने के लिए ये वाला, और राइट स्टिक नीचे राइट स्टिक ऊपर कर देनी है। ठीक है, बॉल फिर से उसके पैड पे ही गई, एंड क्योंकि ये गेम ऐसी बनी है कि अगर आप सेम बॉल्स डालते हो तो पनिश होना ही होना है, क्योंकि सेम बॉल्स जो है वो बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि आप सेम बॉल डालोगे, इसलिए गेम ने भी उसको ऐसे बनाया हुआ है कि जो अगर आप सेम बॉल डालेंगे तो AI का जो बैट्समैन है वो आप पे शॉट लगाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करता है कि आप उसी तरह की बॉल डालोगे, तो वो प्री प्रोग्राम्ड रखा है इन्होंने। ठीक है, ये होगी क्रॉसिंग की बात। उसके सिवा बचता है यहाँ पे बाउंसर्स। ठीक है, अब बाउंसर्स होने चाहिए तेज़ ऑब्वियसली, तो उसके लिए यहाँ पे राइट नीचे वाला यानी RT बटन दबा के रखूँगा, उसमें मुझे आएगा बाउंसर का ऑप्शन। अब बाउंसर जो है वो फुल लेंथ के साथ तो कभी लगेगा नहीं, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बाहर के मेन्यू में क्या लिखा है, ग्रीन वाला होता है गुड लेंथ, उसके सिवाय B वाला होता है शॉर्ट लेंथ, तो बाउंसर्स जो है हमको शॉर्ट लेंथ ही डालने हैं, तो यहाँ पे मैं फुल लेंथ तो दबाऊंगा नहीं, और उसके जगह B यानी कि बाउंसर, क्योंकि B यानी कि यहाँ पे गलती से बाउंसर भी हो गया है, बट यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए B लिखा है, फुल लेंथ वही येलो यानी Y जो इतने टाइम से डालते जा रहा था, और यहाँ पे X जो है वो यॉर्कर लेंथ है जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, बट आई विल टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंसर्स लगाने के लिए यहाँ पे जो है हमको पहले आपका राइट टॉप यानी नीचे वाला बटन दबाना है, यहाँ पे बाउंसर सिलेक्ट करना है। अब बाउंसर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ये शॉर्ट बॉल वाला बटन यानी बाउंस शॉर्ट लेंथ वाला बटन दबाना है। ठीक है, अभी देखिए आप बाउंसर डालेगा, ये जो है मैंने राइट स्टिक नीचे की राइट स्टिक ऊपर की, तो बॉल जो है वो एकदम बाउंसर लेंथ पे गई है काफ़ी तेज़। एक और बार कोशिश करते हैं बाउंसर की। ठीक है, इस बार बॉडी पर बाउंसर देने की कोशिश करेंगे। ये राइट नीचे वाला भी दबाया मैंने एफर्ट बॉल के लिए, नीचे वाला ऊपर वाला बॉडी पे बढ़ा लिया, उसकी टॉप एज लग गई, और वेरी अनलकी आई शुड से, उसकी टॉप एज छक्का चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बाउंसर्स का जो मोटिव था कि उसको अचानक से सरप्राइज कर देना, ठीक है, यहाँ पे देखिए बाउंसर बहुत बढ़िया थी, उसने शॉट खेला कहीं और एक्चुअली टॉप एज लग के छक्का चला गया, बट कोई बात नहीं, वैसे भी ट्यूटोरियल है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। और यहाँ पे ठीक है, बाउंसर्स के बारे में मैंने आपको फिर से बता दिया, और ये बाउंसर आपका, एक और लास्ट बाउंसर डाल के देखते हैं। ठीक है, एक अच्छा बाउंसर, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको राइट नीचे वाला बटन, फिर आपका बाउंसर लेंथ पे जाना है यानी तो लेफ्ट स्टिक उस तरफ करनी है, और लेंथ बाउंसर रखने के लिए यहाँ पे B दबाना है। ठीक है, और राइट स्टिक नीचे और राइट स्टिक ऊपर करते हुए डायरेक्शन देना है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे एक बढ़िया बाउंसर। और लेकिन बैट्समैन ऑलरेडी बैक फुट पे ही एक्सपेक्ट कर रहा था बॉल, क्योंकि लास्ट दो तीन बॉल ही है, लेकिन देखिए इसकी स्पीड 158 है। अगर मैं ये स्लोअर वन डालूँ, एक स्लोअर वन, ठीक है, स्लोअर वन के लिए क्या था, नॉर्मल मेन्यू में आ जाता है, स्लोअर वन सिलेक्ट कर लिया, फुल लेंथ की स्लोअर वन, और ये जो मैंने बटन बोला है आपको स्लोअर वन दबाने के लिए, लेफ्ट नीचे वाला बटन वो दबाना होता। देखिए इसकी बॉल स्लो थी, 158 से सीधा 145 हो गया, जो कि एक फास्ट बॉलर के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्लो बन जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सट्रीम फास्ट बॉलर होना है यहाँ पे करियर प्लेयर में मैंने। तो यहाँ पे बात हो गई और मेन्यूज की, ये स्टैंडर्ड इन स्विंग आउट स्विंग स्लोअर वन सीख लिया हमने, फिर लेग कटर ऑफ कटर सीख लिया, बाउंसर सीख लिया, क्रॉस सीम सीख लिया। अब बात आती है लेंथ्स की, जहाँ पे डिटेलिंग गेम में इतनी दी है बट कोई उसको यूज़ नहीं करता,
तो वही जो है मैं आपको पहले स्टैंडर्ड के साथ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चार बटन दे दिए इन लोग ने, गुड लेंथ, फुल लेंथ, बाउंसर लेंथ यानी शॉर्ट लेंथ और यॉर्कर लेंथ। लेकिन लोग इसी बटन्स को डालते हैं, लेकिन उसके सिवाय यहाँ पे एक और ऊपर छोटी चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, राइट टॉप RT बटन यानी ये वाला बटन यहाँ पे डिलीवरी वेरिएशन करके लिखा है इन्होंने, लेकिन उसके ही नीचे यहाँ लोगों ने लिखा है लेफ्ट LB और RB, यानी कि ये बटन्स LB और RB। क्या लिखा है इन्होंने, शॉर्टर और लॉन्गर पिच। दैट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, ठीक है, अगर ये आपकी गुड लेंथ की बॉल थी, ठीक है, मैं ये सॉरी ये आपकी फुल लेंथ की बॉल थी, ये नॉर्मल फुल लेंथ बिना कोई ये दोनों बटन यूज़ किए अगर मैं डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर, ठीक है, गुड लेंथ की ये फुल लेंथ की बॉल हो गई, काफ़ी फुल थी बॉल, दिख रही थी हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटन्स में दो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे ये दो बटन्स लेफ्ट LB और RB, ठीक है, यहाँ पे LB और RB। अब LB जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, LB लिखा है शॉर्टर और RB लिखा है लॉन्गर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फुल लेंथ ही डालना चाहते हो, लेकिन फुल में मान लो थोड़ा और एक्स्ट्रा फुल डालना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो राइट वाला, जैसे राइट वाला है फुल यानी कि लॉन्गर और लेफ्ट है शॉर्टर, तो आपको जो है ये राइट वाला ऊपर वाला दबा के आपको फुल लेंथ का बटन दबाना है, तो अब ये फुल में और फुल डालेगा। देखिए डिफरेंस पता चल जाएगा यहाँ पे, देखिए ये बॉल ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ उसको गई है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट ओवर में भी सेम चीज़ आपको बता रहा हूँ कि फुल लेंथ में भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, थोड़ा शॉर्टर पिच डालने के लिए और लॉन्गर पिच डालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फुल आउट स्विंगर डालता हूँ, ठीक है, बिना कोई ये LB RB यूज़ किए, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। बॉल कहाँ पिच होती है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आउट स्विंगर है कि बहुत बढ़िया एक्चुअली था ये बॉल भी और शॉर्ट भी, क्योंकि एकदम ही ऑफ स्टम्प पे बॉल शुरू हुई और बाहर जा रही थी, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ बोल रहा हूँ, अब मान लो कि मैंने फुल लेंथ ही रखना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शॉर्ट रखना है मुझे बॉल, फुल लेंथ में ही थोड़ा सा शॉर्ट। तो ये वाला है आपका शॉर्ट का बटन और ये होता है फुल लेंथ का बटन, तो इसको दबा के आपको फुल लेंथ का बटन दबाना है, ठीक है। आउट स्विंग मैंने इस बार नहीं सिलेक्ट की, लेकिन आप बॉल का लेंथ समझिएगा इस बार, ठीक है। ये फुल लेंथ नहीं था, मतलब फुल लेंथ में थोड़ा शॉर्ट, यहाँ पे फील्डिंग बताते बताते गड़बड़ हो गई मुझसे, बट जैसे कि आउट स्विंगर आपने रखा, फिर आपने जो फुल लेंथ नॉर्मल आउट स्विंगर डालना था उसमें ही थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट करनी हो, तो आपको ये दबा के जो है आपको, यानी कि ये ऊपर वाला दबा के फिर आपको फुल लेंथ डालना है, ठीक है। तो ये आपका फुल में थोड़ी शॉर्ट लेंथ हो गई, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है। लेकिन उसको पिकअप करना इजी हो जाता है अगर आप वेरिएशंस नहीं रखोगे और सेम लेंथ रखोगे, तो वही बात है कि मैं सेम लेंथ डालने के लिए यानी कि बताने के लिए डाल रहा हूँ। अब मान लो मुझे इसी फुल लेंथ में थोड़ा और एक्स्ट्रा फुल डालना है, बॉल थोड़ी और आगे डालनी है, तो देखिए थोड़ी यॉर्किश लेंथ भी बन जाती है, तो मैंने आउटस्विंग सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने फुल वाला ऑप्शन विथ फुल लेंथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बॉल और एक्स्ट्रा फुल थी और इसलिए उसकी एज भी लग गई, एंड यही चीज़ नोटिस करनी कि बॉल इस बार जो थी वो टप्पी उसके एकदम बैट के नीचे खाई है, यानी फुल लेंथ में आपको दो ऑप्शन मिल जाती है, थोड़ी शॉर्ट ऑफ फुल लेंथ और फुल ऑफ फुल लेंथ, ठीक है। और यही चीज़ें आप जो है डिफरेंट लेंथ्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एक गुड लेंथ का बटन है ए वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वो देख पाऊँगा आपका पिच मैप, बिग पिच, यही यही बॉलर का, ठीक है। इस बॉल के बाद एक्चुअली देखते हैं, ये बॉल मैं ऐसे ही एक डाल देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल गुड लेंथ बॉल थी, कहाँ पिच हुई है, गुड लेंथ में पिच हुई है बिना कोई नॉर्मल, लेकिन एफर्ट बॉल थी जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ओवर के लिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये जो बॉलर है मैंने इसी को यूज़ किया है, एक्स्ट्रा जो चेंजेस आएंगे वो देखिएगा आप। जैसे अभी गुड लेंथ बॉल थी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई एक्स्ट्रा गुड और फुल ऐड किए, यानी शॉर्ट और फुल ऐड किए, जस्ट गुड लेंथ की बॉल थी, तो वो ऐसे गई। अब मान लो कि मुझे गुड लेंथ में ही थोड़ी और फुल डालनी है, तो मुझे ये दबा के गुड लेंथ दबाना है, ठीक है।
और उसी के साथ राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर, राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर, बॉल उसने लीव कर दिया, गेम भी थोड़ी अटकी बट वैसे उसने लीव करना था। तो ये हो गया आपका गुड लेंथ के अंदर थोड़ा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ और फुल ऑफ गुड लेंथ, ठीक है। एक मान लो थोड़ा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालनी है, एक पहले गुड लेंथ दिखा देता हूँ फिर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ दिखाऊंगा, तो आपको डिफरेंस वैसे ही पता चल जाएगा। एक्चुअली ये ओवर में हम लोग सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द ओवर में जब वो पिच का पूरा मैप आएगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन से डिफरेंट लेंथ्स यहाँ पे आते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नॉर्मल गुड लेंथ बॉल से, ठीक है। बिना कोई ये दोनों दबाए मैंने एक गुड लेंथ बॉल डाली है यहाँ पे, ठीक है। बॉल उसकी बॉडी की तरफ चले गई क्योंकि मेरी राइट स्टिक जो थी वो इस तरफ चले गई, बल्कि मुझे रखनी थी इस तरफ क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर था, ठीक है। आप स्क्रीन पे नीचे मेरी जॉयस्टिक देखिए, इस तरफ उस तरफ जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए, उसकी बॉडी की तरफ चले गई इसलिए उसने वहाँ पे उस साइड खेल दिया। अब मान लो मुझे थोड़ी फुल लेंथ डालनी है गुड लेंथ के अंदर, तो मुझे फुल यानी कि थोड़ी लॉन्गर पिच ऑफ गुड लेंथ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरी जो राइट स्टिक है वो नीचे और थोड़ी इस तरफ को ऊपर, तो ये फुल लेंथ ही गुड लेंथ ही बॉल थी लेकिन हल्की सी फुल थी। अब मुझे थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालनी है, तो मुझे शॉर्ट हल्का सा सिलेक्ट कर लिया और गुड लेंथ सिलेक्ट कर लिया, यानी गुड लेंथ के ही अंदर थोड़ी सी पीछे की तरफ बॉल आएगी, ठीक है। अब उसने जो है बहुत अच्छा ये वाला एक्चुअली शॉर्ट खेला और मेरा नो बॉल भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट जो सर्कल था मैंने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। एक और बार सेम चीज़ दिखाता हूँ, गुड लेंथ सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, तो शॉर्ट हल यानी शॉर्टर पिच ऑफ गुड लेंथ, ठीक है। एफर्ट बॉल, सर्कल नीचे, सर्कल ऊपर, इस बार टाइम पे कंप्लीट हो गया मेरा, एक्चुअली परफेक्ट हुआ, इसलिए उसने कोई शॉट नहीं खेला भले ही फ्री हिट थी, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फुल लेंथ के अंदर आपको शॉट, हल्की सी शॉट, हल्की सी फुल ऑफ फुल लेंथ बताई है, फिर मैंने आपको गुड लेंथ में, या आप शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डाल सकते हैं, फिर थोड़ी सी आप और गुड लेंथ को हल्का सा और फुल डालना हो यानी कि थोड़ा और क्रीज में आगे डालना हो तो यहाँ पे मैंने ये बटन दबा के गुड लेंथ के लिए बोला। एंड यॉर्कर लेंथ में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे पहली बार आपको यॉर्कर लेंथ दिखा देता हूँ, यहाँ पे यॉर्कर लेंथ के लिए मैं एक स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। बिना कोई ये दो बटन यूज़ किए मैंने अगर यॉर्कर लेंथ डाली तो वो एक फुल टॉस बन जाती है यूजुअल केसेस में, ठीक है। देखिए जैसे बॉल बाउंस नहीं हुआ, डायरेक्ट उसके जो है बैट पे लगाया, उसने फ्लिक किया पीछे, ठीक है। तो ये था आपका यॉर्कर लेंथ बिना कोई ये वाला बटन यूज़ किए, लेकिन वो बन गया फुल टॉस। तो मैं चाहता हूँ कि बॉल हल्की सी शॉर्ट रहे यानी कि फुल टॉस ना बन जाए उसके लिए, और यॉर्किश लगे थोड़ी उसकी यॉर्कर जैसी, तो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे हल्की सी शॉर्ट और यॉर्कर लेंथ, तो इससे बॉल जो है वो पिछली बार की तरह फुल टॉस नहीं होगी, होपफुली देखते हैं, ठीक है। इस बार भी फुल टॉस रही लेकिन ये बहुत ही लो फुल टॉस थी एज़ कंपेरिजन टू लास्ट वन। यहाँ पे मैं बॉल को फील्ड कर लूँगा इजीली, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा अगर मैंने शॉर्ट ऑफ यॉर्कर लेंथ सिलेक्ट किया तो बॉल यॉर्कर ही थी, लेकिन क्योंकि बैट्समैन आगे भी खड़ा हो सकता है तो वो हल्की सी लो फुल टॉस बन गई। अगर मैं सिर्फ ये यॉर्कर लेंथ सिलेक्ट करता तो बॉल डेफिनेटली एक फुल टॉस होती, बट क्योंकि मैंने शॉर्टर लेंथ ऑफ यॉर्कर सिलेक्ट किया तो बॉल हल्की सी जो है यहाँ पे यॉर्कर में ही थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ रही यानी कि लो फुल टॉस टाइप बनी। जैसे कि एक अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फुल ऑफ यॉर्कर तो वो डेफिनेटली एक फुल टॉस बन जाएगी, क्योंकि यॉर्कर में ही आपको एक और थोड़ा आगे की तरफ लेंथ डालने मिल रही है यहाँ पे वो बटन दबा के। तो यहाँ पे मैं फुल ऑफ यॉर्कर तो ये डेफिनेटली फुल टॉस बनेगी और बहुत ही इजी बॉल हो जाती है, क्योंकि उसके उसके लिए गेम में ही एक्स्ट्रा टाइम होता है खेलने के लिए फुल टॉसेस के, और उसकी टाइमिंग जो है वो इजीली बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सेम चीज़ें बोलते आ रहा हूँ अभी मैं वही बता रहा था, यहाँ पे पिच मैप जो आया लास्ट ओवर का क्या ना सीधा डग, ये चीज़ अगर मैं देख पाऊँ फिर से, मैंने लास्ट ओवर कौन से बैट्समैन को डाला है यहाँ पे, मैंने लास्ट ओवर डाला है आर जॉइस को, अच्छा वो ये बॉल के बाद दिखाएगा, तो मैं एक बाउंसर ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाउंसर में भी सेम चीज़ है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ बाउंसर मैंने सिर्फ ऐसे ही सिलेक्ट किया तो वो बाउंसर नॉर्मल था, बाउंसर में भी मुझे और शॉट डालना हो तो मैं ये वाला बटन यूज़ करूँगा, और मैं थोड़ा फुल लेंथ का बाउंसर डालना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे देखिए ये लास्ट जो बॉल्स थी
कितने डिफरेंट लेंथ्स यहाँ पे आती है मेरे पास, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सिंगल ले लिया था उसने उस ओवर में, तो यहाँ पे बाउंसर्स में दिखाऊंगा, यहाँ पे इस ओवर में सिर्फ बाउंसर्स रहेंगे, लेकिन बाउंसर्स में आप ये देखिएगा कि बाउंसर में कैसे डिफरेंट लेंथ रहेगी। जैसे कि अगर बाउंसर नॉर्मल वाला जो था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, अब मैं जो है हल्का सा और शॉर्ट बाउंसर डालूंगा, तो और शॉर्ट के लिए ये वाला बटन और बाउंसर का बटन और एफर्ट बॉल डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तेज़ जाए। जॉयस्टिक नीचे, आरस्टिक नीचे, आरस्टिक ऊपर, और एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से फिर उसकी एज लग गई। जो ये बाउंसर था वो पिछली बार से ज़्यादा बाउंस खाया, क्योंकि मैंने थोड़ा और शॉर्ट डाला था ये वाला बटन दबा के और बाउंसर लेंथ दबा के, तो बॉल जो है वो और शॉर्ट रही, ठीक है। अगर मैं मान लो चाहता हूँ कि बाउंसर्स जो है वो इतना ऊपर ना जाए बैट्समैन के और एक उसके छाती की हाइट तक रहे, तो मैं हल्का सा फुल लेंथ वाला यानी कि लॉन्गर पिच ऑफ बाउंसर सिलेक्ट करूँगा, और इस बार मैं फिर से एफर्ट बॉल डालूंगा तेज़। राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर, देखिए ये वाला बाउंसर जो है वो इतना बाउंस नहीं हुआ है यहाँ पे, वो मैक्सिमम जो है उसकी छाती तक गया और ज़्यादा बाउंस नहीं मिला मुझे। बल्कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्टर लेंथ ऑफ बाउंसर सिलेक्ट करता तो देखिए बॉल कितना एक्स्ट्रा बाउंस लेता है, क्योंकि मुझे लेंथ्स के अंदर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए ये वाला बाउंसर जो है उसके सर पे जाता है यानी कि हेलमेट वाली हाइट तक जाता है, बल्कि पिछला बाउंसर सिर्फ और सिर्फ उसकी छाती तक था यानी कमर के जस्ट ऊपर तक था, तो यहाँ पे वो डिफरेंस नज़र आता है। तो यही चीज़ है कि लोगों ने, आप यूट्यूब पे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया है कि आपको हर लेंथ के अंदर, जैसे गुड लेंथ के अंदर भी दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, कि गुड लेंथ में आप हल्की सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालना चाहते हो, आप हल्की सी फुल ऑफ गुड लेंथ डालना चाहते हो। तो फुल गुड लेंथ नॉर्मल मतलब ये बटन, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ मतलब ये दबा के ये दबाना है, फिर थोड़ी गुड लेंथ में ही हल्की सी फुल रखनी है तो ये दबा के यानी ऊपर वाला दबा के फिर आपको गुड लेंथ दबाना है, एंड सेम चीज़ें आप बाकी लेंथ्स के साथ कर सकते हो। वही सेम चीज़ें आप यॉर्कर लेंथ्स के साथ कर सकते हो, यानी यॉर्कर में आप चाहते हो कि हल्की सी शॉर्ट रहे यॉर्कर लेंथ, तो ये आपको सिर्फ वाई वाला नहीं बल्कि ये लेफ्ट वाला दबा के आपको वाई दबाना है, सॉरी यहाँ पे एक्स दबाना है, यॉर्कर लेंथ दबानी है। तो इससे जो यॉर्कर जो है आपका फुल टॉस नहीं बनेगा और हल्के सी और शॉर्ट रहेगी, तो वो एक अच्छा यॉर्कर जैसा बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो यूजुअली लोगों ने नहीं बताई है, एंड ऑब्वियसली जो मेन्यू एक्स्ट्रा मिलता है आपको ये राइट वाला नीचे वाला दबा के, जहाँ पे लेग कटर, ऑफ कटर, क्रॉस सीमर्स है, क्योंकि क्रॉस सीमर्स एक्चुअली यहाँ पे गेम में ऐसा ही दिया है, अगर आप गुड लेंथ के क्रॉस सीम अचानक से बीच में डालते हो तो डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलता है अच्छा खासा, कि वो या तो बैट्समैन, जैसे कि अभी आपने देखा शॉट नहीं लगा पाता, एक यहाँ पे ये लोग 2 रन ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा वो बॉल जो क्रॉस सीम होती है वो अचानक से एक्स्ट्रा पेस के साथ आती है, और एक्स्ट्रा पेस की वजह से जो है वो स्किड हो जाती है, और उसकी वजह से बॉल जो है वो बहुत तेज़ आती है। यहाँ पे एक और अगर क्रॉस सीम बाउंसर डालने जा रहा हूँ तो क्रॉस सीम सिलेक्ट किया, बाउंसर सिलेक्ट किया, ठीक है। राइट स्टिक नीचे, राइट स्टिक ऊपर, और मुझे लेंथ यहाँ पे लाइन गड़बड़ हो गई क्योंकि ज़्यादातर ओवर्स मैं लेफ्टीज़ पर डाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लास्ट चीज़ अगर कर सकते हैं हम, क्रॉस सीम और बाउंसर में भी मुझे और शॉट डालना है, तो मुझे ये दबाना है लेफ्ट वाला आपका लेफ्टी और यहाँ एलटी और आपका बाउंसर लेंथ यानी कि बी बटन लाल वाला, ठीक है। इस बार मैं लाइन बराबर डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लाइन इस बार बहुत बढ़िया थी और इतनी अच्छी थी कि कीपर से भी मिस हो गए, और यहाँ पे 22 के मुझे फालतू के 4 रन पड़ गए, क्योंकि ये बाउंसर जो था वो और शॉर्ट डाला था मैंने हल्का सा ये वाला लेंथ सिलेक्ट करके। उसके सिवाय बोनस क्लिप, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं यहाँ पे एक और फीचर बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि 7 ओवर डाल चुके हैं तो बॉल यूजुअली जो है वो एकदम न्यू नहीं रहती। तो अगर आप लेफ़्ट टॉप और राइट आरटी और एलटी दोनों को अगर आप साथ में दबाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और हिडन फीचर के बॉलर जो है वो अपने हाथ की बॉल देखता है खुद, एंड इससे ये चीज़ होती है कि अभी जैसे चलो बॉल नहीं है, सिर्फ 7 ओवर्स ओल्ड है, लेकिन मान लो आप अगर पूरा वनडे या टेस्ट मैच खेल रहे हो तो एक साइड शाइन और एक साइड रफ खुद ब खुद गेम बना के देता है। तो अगर आप देखते हो कि भैया आपका बॉल जो है वो एक साइड शाइनी है और दूसरा साइड रफ़ है, मान लो अंदर की तरफ, तो आप इन स्विंग करो, क्योंकि शाइनी साइड जो है बॉल ज़्यादा स्विंग होएगी, रिवर्स स्विंग के लिए उन्होंने दिया है। एंड अगर आप बॉल देखते हो कि शाइनी साइड बाहर की तरफ है, यानी कि आपके बॉलर राइट ही है तो राइट हैंड की तरफ है, तो आप जो है वो
उसी तरफ बॉल को निकालो तो वो एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्विंग ऑफर करता है गेम आपको। तो ये डिटेल थी, अगेन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बॉल देखने के लिए जो हाथ में है, यहाँ पे आपको नीचे वाले दोनों बटन साथ में दबाने हैं और दबा के रखने हैं, कुछ और नहीं करना, तो आपको बॉल की डिटेल दिखाएगा, ठीक है। उसके सिवाय जो था क्रीज को कैसे यूज़ करना है, मान लो अगर सिर्फ मैं यहाँ पे इस साइड से नहीं डालना चाहता तो मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फिर से बता रहा हूँ। ये साइड में हो आप तो यही साइड से बॉल डालनी है, तो आप और इस तरफ जा सकते हो यानी और लेफ़्ट जा सकते हो, तो यहाँ पे दो कदम और लेफ़्ट चला गया क्योंकि मैंने दो बार इसको दबाया। या फिर आप थोड़ा स्ट्रेट डाल सकते हो स्टम्प के पास से, या फिर आप दूसरे साइड से डालना चाहते हो या तो स्टम्प के पास से डाल रहे हो, या फिर आपको क्रीज़ अगर यूज़ करनी है तो और राइट वाला जो है वो उसको दबाना है यहाँ पे डी पैड पे, तो एक और बार जाएगा। यानी कि आप जो है एंगल्स चेंज कर रहे हो कि बॉल रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, तो वो बहुत डिफरेंट आपको ऑप्शंस देता है गेम, जो कि यूजुअली लोग नहीं यूज़ कर पाते। सो इसी के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि किसी ने बताया नहीं है गेम में इतने डिटेल में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जॉयस्टिक के साथ आपको जी नीचे देखना है कि मैं कौन सा बटन कौन से टाइम पे दबा रहा हूँ, और उसके हिसाब से जो है आपको अपना गेम प्ले रखना है, ठीक है। सो ये ट्यूटोरियल बड़े ही लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत ही काम का ट्यूटोरियल है। अगर आप क्रिकेट 19 को सीरियसली बहुत पसंद करते हो खेलना, तो आपका ट्यूटोरियल जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। और आपको अगर और कोई डाउट्स है इसमें गेम में, तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।